हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कैंपस प्लेसमेंट, कैंपस सेलेक्शन के बारे में बात करेंगे कि हाँ किन किन कॉलेजों से। आज हम लोग बात करेंगे प्रॉपर वे में मैकेनिकल ट्रेड से जितने भी लोग पॉलिटेक्निक किए हैं उन लोगों का प्लेसमेंट किस किस कंपनी में हुई है, किस किस कॉलेज के कितने छात्रों का कैंपस सेलेक्शन हुआ है, उन सभी मुद्दों पर हम बात करेंगे। आने वाले वीडियो में इलेक्ट्रिकल के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में, अलग अलग डिपार्टमेंट के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। आज की वीडियो हम पूरी तरह से मैकेनिकल वाले जितने भी छात्र हैं, जितने भी छात्रों का जो सिलेक्शन हुआ उन सब के बारे में हम बात करेंगे आज की वीडियो में। और भी बात क्या क्या होने वाली है आइए समझते हैं। सबसे ज़्यादा किस कॉलेज से प्लेसमेंट हुआ, सबसे ज़्यादा किस ब्रांच से हुआ, तो आज हम लोग केवल हम लोग मैकेनिकल ब्रांच के बारे में ही बात करने वाले हैं। प्लेसमेंट से संबंधित सभी डाउट आपको क्लियर होने वाला है इस वीडियो के माध्यम से। कौन कौन कंपनी में प्लेसमेंट हुआ, प्लेसमेंट के साथ ही कितना सैलरी आपको दी गई, आज हम लोग पूरी तरह से मैकेनिकल ब्रांच के बारे में बात करेंगे कि हाँ मैकेनिकल के जितने भी छात्र हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं, उन लोगों का जो सिलेक्शन है किस कंपनी में हुई, कहाँ पर हुई और कितने सैलरी पर कैंपस सेलेक्शन हो जाती है। आगे हम लोग बात करते हैं उन पर पूरी चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग पूरी तरह से बात करते हैं। हम लोग अभी देख लेते हैं ये जो आपको PDF हम जो दिखा रहे हैं, जो ये पूरी तरह से लिस्ट दिखा रहे हैं, बजाज मोटर्स लिमिटेड जो कि डिप्लोमा डेट 4/3/2022 का डेट में है। ये आपको बता दें कि जो भी लोगों का सिलेक्शन होता है वहाँ सब लोगों का डाटा तैयार करके कॉलेज में आती है, कॉलेज में अलग अलग छात्रों के माध्यम से मेरे पास पहुँचा है। और ये मैकेनिकल ट्रेड के बारे में मुझे पता चला है और भी धीरे धीरे लोगों के ब्रांच के बारे में पता चलेगी, मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगा। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी बिहार पटना के द्वारा ये सब जारी की जाती है। बजाज मोटर्स के द्वारा ये आपको पूरी तरह से सिलेक्शन की गई है बच्चों में। ये आपको देखिए NGP पटना मैकेनिकल ब्रांच के लिए आपको GP पटना, यहाँ थोड़ा सा हाँ यहाँ देख लेते हैं, NGP पटना, GP पटना, फिर से दरभंगा, सहरसा, तो हम देख लेते हैं यहाँ पे जो NGP पटना 13 है, पटना 13 से छात्रों को नहीं हुआ। GP जो पटना 7 है उससे एक छात्रों का हुआ, मैकेनिकल ट्रेड से हुआ है। अब फिर हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे गया वाला जो आपको पॉलिटेक्निक कॉलेज है उसमें 4 छात्रों का सिलेक्शन हुआ है मैकेनिकल ट्रेड। अभी जितने भी बातें हम करेंगे मैकेनिकल ट्रेड से बात करेंगे। GP गोपालगंज से 1 छात्रों का हुआ है, खगड़िया से 6 छात्रों का हुआ है। फिर हम लोग जैसे जैसे सिलेक्शन होते गया उस तरह से आपको मैं बताता जाऊँगा। ये समस्तीपुर सीतामढ़ी के, फिर सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे है ये सिवान के छात्रों में जीपी जो सिवान के छात्र हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो सिलेक्शन है GP सिवान यानी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जो सिवान में है 28 छात्रों का सिलेक्शन हुआ है। उसी तरह से कहीं कहीं 1 छात्रों का मुजफ्फरपुर से, 1 छात्र मधुबनी के, 1 छात्रों का सिलेक्शन हुआ है औरंगाबाद से, 1 छात्रों का, यानी टोटल 45 जो स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, और भी कुछ बातें हैं जो कि मैं आप सबको, तो ये आप लोग देख सकते हैं किस तरह से छात्रों का सिलेक्शन ये मैकेनिकल ब्रांच में हुआ, अमित कुमार, चंदन कुमार। उसी तरह से आप लोग देख सकते हैं किस तरह से वो मैकेनिकल ब्रांच के जो जितने भी छात्र हैं, विवेक रंजन, आपको पूरी तरह से आपको स्पष्ट रूप से दिख रही होगी इतने छात्रों का, यानी टोटल 48 छात्रों का कैंपस सिलेक्शन हुआ है। अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं और तो बातें हम आगे फिर कर लेते हैं कि बहुत से छात्रों का झुकाव होता है सिविल की तरफ कि सिविल में ही ज़्यादा जॉब है, ऐसे कोई बात नहीं है, मैकेनिकल ट्रेड में भी जॉब है। आप सबों के सामने भी प्रस्तुत की गई और ये जो जितनी भी डाटा है ये सरकारी डाटा है, कंपनी से आई हुई डाटा है, कॉलेज में आई हुई डाटा है, छात्रों के माध्यम से मेरे पास पहुँची हैं। और अलग अलग जो ट्रेड के भी जितने भी मतलब PDF हैं, जितने भी जो डाटा है मेरे पास पहुंचेगी, मैं आप सब के लिए वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। तो ये देख सकते हैं 48 छात्रों का जो सिलेक्शन है आप लोगों के लिए, ये 45 तक है, आगे भी यहाँ पे हम दिखा देते हैं आपको। मैं बता दूं कि ये जो डाटा आपके पास जो हम आपको दिखा रहे हैं ये बजाज मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड की डाटा है और मारुति सुजुकी जो गुजरात में कंपनी है उसकी भी डाटा है, जो कि आपको मैकेनिकल ट्रेड में ही बहुत से छात्रों का सिलेक्शन हुआ है। तो उसका जो डाटा है आना बाकी है, तो वो जब डाटा आ जाएगा तो फिर मैं एक और वीडियो मैकेनिकल के लिए लाऊँगा। और आने वाले जो वीडियो में अभी हम लोग बात करेंगे और आगे की वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के कितने छात्रों का सिलेक्शन हुआ है। आपको एक बात और जानकारी के लिए बता दें कि सभी जितने भी छात्रों का कैंपस सिलेक्शन हुआ है वो सभी छात्र 5th सेमेस्टर पास कर चुके हैं या फिर मतलब 5th सेमेस्टर में हैं, उन्हीं के बाद उन सभी छात्रों का सिलेक्शन कैंपस सिलेक्शन के द्वारा की गई है।
कि फिफ्थ सेमेस्टर में जो भी छात्र हैं उन लोगों का सिलेक्शन कैंपस सिलेक्शन हुआ, फिर आपको कंपनी बुलाती है, कंपनी में ज्वाइनिंग करा देती है, आपको फिर सिक्स सेमेस्टर में पढ़ने के लिए समय देती है। सिक्स सेमेस्टर कंप्लीट करके आपका जो जॉब है पूरी तरह से कंप्लीट रूप से उस कंपनी में हो जाती है। तो धन्यवाद, ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कोई भी मतलब कि दिक्कतें होगी, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई होगी तो कमेंट जरूर करिएगा, कमेंट के माध्यम से मुझे सूचित करिएगा, आने वाले वीडियो में मैं उन सब डाउट को क्लियर करने का प्रयास करूँगा। तो अभी तो लगभग सभी डाउट को मैंने क्लियर कर दिया, एक डाउट बची हुई रह गई थी कि कितनी सैलरी पे प्लेसमेंट हुआ है। तो सैलरी मैं आपको बता दूँ कि 10,000 से लेकर 15,000 तक के बीच में सभी छात्रों का सिलेक्शन हुआ है। धन्यवाद, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे मैकेनिकल के और भी कॉलेज के छात्रों के साथ, और हम लोग इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के जितने भी प्लेसमेंट हुए हैं उनके बारे में बात करेंगे। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।